भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। भारत के स्पेस सेंटर इसरो का चंद्रयान 3 मिशन कामयाब रहा। उसने चंद्रमा पर लैंडिंग की और अब इस कामयाबी का जश्न मनाने के साथ साथ इसके श्रेय को लेकर भी होड़ मची हुई है। कोई कह रहा है कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का श्रेय विज्ञान को दिया जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि वेदों शास्त्रों में पहले से ही सारे नियम लिखे हुए थे, वहाँ पर जो जानकारी थी वहीं से विज्ञान शुरू होता है और उसका श्रेय आस्था को दिया जा रहा है, पाखंड को दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और जो तमाम राष्ट्र निर्माता थे, उन लोगों ने भारत को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का सपना देखा था। उन्होंने भारत के संविधान में साइंटिफिक टेम्परामेंट को जगह दी थी। आर्टिकल 51 में जब आप देखेंगे तो उसमें ये लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो भारत के संविधान निर्माता थे, जो राष्ट्र निर्माता थे, उनका सपना था कि भारत वैज्ञानिक सोच पर चलकर आगे जाए और उन्होंने तमाम प्रथाओं को, जो कुरीतियां थी, जो तमाम तरीके की आस्था डंबर पाखंड थे, उनको खत्म कर दिया था और संविधान में वैज्ञानिक चेतना को जगह दी थी। इसलिए भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी का श्रेय विज्ञान को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस पाखंड का जिक्र किया जाता है, जिस ज्योतिष शास्त्र का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो तमाम इसरो के वैज्ञानिक हैं वो सब लोग धार्मिक हैं, वो मंदिरों की दौड़ लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लोगों ने हवन किया, तमाम तरीके के अनुष्ठान किए और उसके बाद कामयाब हो गया चंद्रयान 3 मिशन। लेकिन आप देखिए कि ये जिस शास्त्र की बात कर रहे हैं, जिन शास्त्रों के नियमों की बात कर रहे हैं, जिस ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहे हैं, वो पहले से ही हजारों साल पहले से मौजूद है। यानी कि वो शास्त्र काफ़ी पुराने हैं, वो स्मृतियाँ, वो वेद काफ़ी पुराने हैं, और अगर उसमें इस तरह के नियम लिखे हैं, इस तरह की जानकारियाँ उसमें हैं, तो भारत को चंद्रमा पर पहुँचने में इतना वक्त क्यों लग गया, क्यों इतने साल लग गए कि हम चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाए थे। अब जाकर मुमकिन हुआ, क्योंकि पूरी दुनिया में विज्ञान ने तरक्की की है। कुछ लोग धरती पर बैठकर यहां से हवन पूजा पाठ करके मंत्र फूंक के ग्रह की दिशा बदल देने का दावा करते हैं कि हम आपके जो ग्रह दशा है उसको ठीक कर देंगे, उनको बदल देंगे। ऐसे लोगों के दावों पर यकीन नहीं किया जा सकता। आस्था अपनी जगह है, ईश्वर में विश्वास अपनी जगह है, लेकिन विज्ञान की अहमियत को नहीं नकारा जा सकता। विज्ञान के कारण, वैज्ञानिक चेतना के कारण ही चंद्रमा पर इंसान के पहुंचने में कामयाबी हुई है, भारत को कामयाबी मिली है, तो उसका श्रेय विज्ञान को दिया जाना चाहिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है, उस पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की क्या राय थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक जगह लिखते हैं कि ये तमाम लोग दावा करते हैं कि भारत में पुराने ज़माने से ही जो वेद शास्त्र स्मृतियाँ हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें विज्ञान के बारे में, गणित के बारे में, तमाम तरीके की साइंसेस के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं कि मान लिया कि ये लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि इसमें लिखा हुआ है या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ लिखा हुआ था, ये सब कुछ पहले से ही आपके वेदों में, शास्त्रों में मौजूद था, तो फिर भारत जो है विज्ञान के क्षेत्र में इतना क्यों पिछड़ गया, क्यों यूरोपीय देशों की तरह, दूसरे मुल्कों की तरह भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कोई तरक्की क्यों नहीं की। ब्राह्मण समाज उस समय का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा समाज था और वही ज्ञान पर अधिकार रखता था, तो ब्राह्मणों ने साइंस विज्ञान के जरिए, गणित के जरिए, तमाम तरीके की जो वैज्ञानिक सोच वाले चीज़ें हैं, तकनीक हैं, उसके जरिए इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने का कोई काम क्यों नहीं किया, क्यों सारा का सारा जो ब्राह्मण वर्ग था उसने अपने ज्ञान का इस्तेमाल स्मृतियां, शास्त्रों को लिखने में ही किया, उन्होंने कोई तरक्की क्यों नहीं की, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ साफ कहा कि आप दावा तो कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ लिखा हुआ था, मान लिया हमने कि लिखा हुआ था कि आपके पुष्पक विमान हवा में उड़ते थे, आपके पास तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी थी, आप जो हैं चंद्रमा की यहीं से बैठ के दशा बदल देते थे, दिशा बदल देते थे, लेकिन सवाल ये है कि अगर लिखा था तो आपने कोई बड़ा आविष्कार, कोई बड़ी वैज्ञानिक शोध क्यों नहीं की, क्यों इंसानों की जिंदगी में अच्छा बदलाव नहीं लाया। ये बहुत जरूरी सवाल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर उठाते हैं और यही सवाल आज भी उठता है कि पाखंड की हार हुई है, विज्ञान की जीत हुई है, विज्ञान की बदौलत जो है आज हम
चांद तक जा पहुंचे हैं, हमने बहुत तरक्की हासिल की है, इसलिए विज्ञान को इसका श्रेय मिलना चाहिए। इस पूरी जो स्पेस मिशन है, चंद्रयान तीन का जो मिशन है, इसमें महिलाओं की भूमिका की भी बहुत ज़्यादा तारीफ की जानी चाहिए। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें आपको इसरो की जो महिला साइंटिस्ट हैं वो आपको जश्न मनाते हुए नजर आ रही होंगी। लेकिन यहाँ पर ये बात भी सोचने लायक है कि जो ब्राह्मणवादी पितर सत्ता थी, जिन्होंने महिलाओं को गैर बराबरी का दर्जा दिया, जिन्होंने उन्हें गुलाम बना के रखा, उन पर तमाम तरीके की पाबंदी लगाई, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया, उनको उस चंगुल से मुक्ति कराने का श्रेय बहुजन नायक नायिकाओं को ही जाता है। आप याद कीजिए माता सावित्रीबाई फुले, जब उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर पहला लड़कियों का स्कूल खोला तो उनके ऊपर तमाम तरीके के कहें कि निशाना साधा गया, उनके ऊपर गोबर फेंका गया, पत्थर फेंके गए, उन्हें परेशान किया गया, लेकिन वो नहीं रुकी। तो इसका श्रेय माता सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली शिक्षिका हैं, उनको भी दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणवादी पितरसत्ता से मुक्ति हासिल करने वाली महिलाओं की कामयाबी का श्रेय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने संविधान बनाते हुए महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया, उन्हें शिक्षा के अधिकार का दर्जा दिया और हिंदू कोड बिल जैसी एक प्रोग्रेसिव थॉट के जरिए महिलाओं को बच्चा गोद लेने, तलाक लेने, संपत्ति में अधिकार देने, शिक्षा का अधिकार, इस तरह के जो बुनियादी अधिकार हैं वो दिए, मैटरनिटी लीव दिया कि आप काम करते हुए अगर आप बच्चा पैदा करती हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी, पेड लीव मिलेगी, इस तरह के जो तमाम प्रावधान किए। तो भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो महिलाओं की मुक्ति के कानून बनाए उसको भी हमें आज यहाँ पर रेखांकित करना चाहिए कि हमारे नायक नायिकाओं ने जो योगदान दिया, जो महान काम किया, उसकी बदौलत आज भारत की महिलाएं अंतरिक्ष में जा झंडे लहरा रही हैं, चांद को जाके छू रही हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमें इस कामयाबी का श्रेय उन्हें भी देना चाहिए और हमें रेखांकित करना चाहिए कि कैसे समाज के जो हमारे राष्ट्र निर्माता लोग हैं वो समाज को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे पाखंड के जरिए, अंधविश्वास के जरिए, टोने टोटको के जरिए। कोई तरक्की दुनिया में कभी हासिल नहीं की गई। आप देखिए वैज्ञानिक जो लोग थे उन्होंने सब आविष्कार किए, कई धार्मिक केंद्रों से कोई आविष्कार नहीं हुए जिसने इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाया हो। इसलिए हमें इससे भी सबक लेना चाहिए, जो चंद्रयान तीन मिशन की कामयाबी है इससे हमें सबक लेते हुए वैज्ञानिक चेतना को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार देना चाहिए, उनकी तरक्की में भागीदार बनना चाहिए, उनको और ज़्यादा अवसर देने चाहिए और हमें पाखंड से, अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास सिर्फ आपको डराते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपसे पैसा ऐंठते हैं, जबकि विज्ञान के कारण आज ज़िंदगी में काफ़ी सहूलियत हो गई है, इंसानों की ज़िंदगी बच रही है, तमाम तरीके की मुश्किल बीमारियों का इलाज ढूंढा जा रहा है, उनके काम को आसान किया जा रहा है, हम स्पेस तक पहुंच गए हैं, ये सब विज्ञान की बदौलत ही हुआ। और जो ये लोग दावा करते हैं कि सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं, तमाम हमारे ग्रंथों में हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप उनके प्रमाण दीजिए, आप उनके सबूत दीजिए, और अगर आपके पास ये तकनीक मौजूद है तो आप हमारे देश को आगे ले जाने से क्यों रोक रहे हैं? अगर आपके पास ये तकनीक पहले से ही है, आपके पास सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, उसके तरीके लिखे हुए हैं, फिर भी अगर आप भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक रहे हैं तो ये देशद्रोही हरकत है, ये राष्ट्र विरोधी हरकत है कि आपके पास तकनीक है, आपके पास सारे जानकारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आप भारत को विश्व गुरु बनाने से रोक रहे हैं, तो आप ये देशद्रोही राष्ट्रद्रोही हरकत करना छोड़ दीजिए। अगर आपके पास जानकारी है तो बताइए, लेकर आइए और हमारे देश को फिर से विश्व गुरु बनाने की ओर अपने कदम बढ़ाइए। तो जरूरी हो जाता है कि हम भारत के राष्ट्र निर्माताओं को याद करें, उनकी वैज्ञानिक सोच को याद करें, जो भारत की सरकारें हैं जिन्होंने इसरो जैसे इंस्टीट्यूट्स को बनाया, जो एक कल्पना थी कि भारत को वैज्ञानिक चेतना पर आधारित राष्ट्र बनाना है, उनको भी हमें याद करना चाहिए और हमें विज्ञान के सहारे ही आगे बढ़ना चाहिए। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट करके लिखें, आपकी राय हम लोग पढ़ते हैं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी जानकारी हो कि विज्ञान से ही भला होगा, पाखंड से, अंधविश्वास से कोई भला नहीं होने वाला। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358780000640।
आईएफएससी कोड है SB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।